स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट के बारे में, मतलब बिजली चोरी के बारे में। तो एक नज़र डालते हैं पूरे वर्ल्ड के अक्रॉस जो है पावर यूटिलिटीज़, जो कि हमारी कंपनी है जो कि पावर सप्लाई करते ही हैं, उनको कितना लॉस हो रहा है। तो करीब करीब 25 बिलियन डॉलर्स एक साल का जो उनको लॉस होता है, तो ओवरऑल द वर्ल्ड, ठीक है, क्यों पावर थेफ्ट की वजह से, जो बिजली जो है जो चोरी होती है, जिसका कि जो कि सप्लाई तो की जाती है लेकिन उसका बिल जो है नहीं मिलता है, ठीक है। इसके अलावा देखें तो डेवलपिंग कंट्रीज में नियर अबाउट 50% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चोरी हो जाती है, मतलब उसका कोई बिल नहीं मिलता है यूटिलिटीज़ को, कंपनियों को, जो भी इलेक्ट्रिसिटी पहुँचा रही हैं, ठीक है। तो एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस इंडिया के अंदर देखें तो ये 15 से 65% तक वेरी करते हैं, किसी एरिया में कम है किसी में ज़्यादा है, ठीक है। तो ओवरऑल इनकी एवरेज देखी जाए तो नियर अबाउट 34% तक निकल आती है। तो जो कॉस्ट है, कितना लॉस हो रहा है ये चोरी की वजह से, तो करीब करीब 20,000 करोड़ एक साल का लॉस है जो कि इंडिया को इस वजह से हो रहा है। इसके बाद में किस तरह से चोरी की जाती है, तो सबसे आसान जो कि पुराने मीटरों की हम बात कर रहे हैं, जो उसमें कि डिस्क जो है मूव होती थी उसमें जो है छेड़खानी की जाती है, डिस्क को जो है चलने से रोक लेते हैं ताकि वो जो किसी तरह की रिकॉर्डिंग ना करे कि कितनी यूनिट्स जो हैं आगे सप्लाई हो गई हैं, कंज्यूम हो गई हैं घर के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्यूज़ के ज़रिए, मतलब बेसिकली मीटर को बाईपास कर लेते हैं कि जो सप्लाई आ रही है वो मीटर से पहले से सीधा घर के अंदर तक कनेक्ट हो जाए, मीटर के जरिए कनेक्ट ना हो, तो मीटर क्या रिकॉर्ड नहीं करेगा कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर जा रही है। इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी हैं जिसकी हेल्प लेके जो है मीटर को रोक रहे हैं लोग कुछ चोरी के लिए, ठीक है, या उसको रिवर्स कर देते हैं, उसको पीछे ले जाते हैं। इसके अलावा एक और जो बहुत कॉमन जो मेथड है वो है जो जो लाइंस हैं, ओवरहेड लाइंस हैं, जो मतलब पोल के ऊपर जो जो वायर आ रही है इलेक्ट्रिसिटी की, जो बिजली की जो तार आती हैं पोल के ऊपर, उनसे अपने घर को जो है जोड़ लेते हैं। यहाँ देखिए डायग्राम में दिखाया है फर्स्ट केस, जो फर्स्ट जो फोटो है इसके अंदर इसी तरह से जो है ओवरहेड जो लाइंस हैं, पावर लाइंस हैं, उससे जो है कनेक्ट किया हुआ है अपने घर को, तो इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट वहीं से आ रही है, तो मीटर के थ्रू नहीं आ रही है, तो इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, पावर तो कंज्यूम हो रही है लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। सेकेंड केस में क्या है, बाईपास वायर्स का यूज़ किया गया है, मतलब इनपुट से, मीटर के इनपुट से सीधा आउटपुट तक को कनेक्ट कर दिया है ताकि इलेक्ट्रिसिटी जो है सीधा मीटर के अंदर जाने के बजाय सीधा घर तक आ जाए, इस तरह से मीटर जो है इसको रिकॉर्ड नहीं करेगा। अब बात करते हैं हरियाणा की, क्योंकि हरियाणा में जो है गवर्नमेंट ने ये जो है रेड इन्होंने कंडक्ट करनी शुरू करी थी, और विद इन द ईयर 2021 हम जो है केस स्टडी कर रहे हैं कि कितना इन्होंने जो है इस तरह का जो कॉस्ट देखा था। तो सबसे पहले हरियाणा के अंदर 25,000 करोड़ जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होती है, जिसकी की बिलिंग जो है की जाती है, टोटल जो कंजम्पशन है, अगर इसका 1% भी अगर चोरी हो रहा है तो इसका मतलब 250 करोड़ जो है स्टेट को लॉस हो रहा है, तो बड़ी रकम है, 200-250 करोड़ रुपए की। तो अब इससे बचने के लिए क्या है, अगर हम या तो लॉस में ही हमारी जो यूटिलिटी चलती जा रही है तो क्या किया जाए, या तो टैरिफ बढ़ाया जाए, किराया बढ़ाया जाए जो बिजली का पर यूनिट जो रेट है, या तो उसको बढ़ाएं, नहीं तो फिर जो है लॉस को रिकवर किया जाए, तो इसी ये चोरी को, मतलब चोरी की वजह से जो लॉस हो रहा है उसको रिकवर करें, चोरी होने से रोकें। तो यही अप्रोच जो है इस बार उठाई थी हरियाणा गवर्नमेंट ने, तो इस तरह के दो रेट्स के बारे में अभी हम देखने वाले हैं। तो एक तो फरवरी 2021 में 2 दिन के अंदर जो करीब करीब 2,500 केसेस जो हैं इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट के जो हैं पकड़े गए थे, और ये जो 5 जो बड़े इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं, शहर हैं हरियाणा के अंदर, जिसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, दारूहेड़ा और हिसार, यहाँ पे कंडक्ट की गई थी, और ऐसा अंदाज़ा लगाया गया था, इन जो ऑफिसर्स था इनका एस्टिमेट था कि नियर अबाउट 100 करोड़ रुपीज़ की पेनल्टी जो है इसके अंदर लग जाएगी। सेकेंड इस तरह का जो है रेट जो लगी थी जुलाई 2021 में जो हरियाणा के अंदर, जिसमें कि 5,508 केस जो है पावर थेफ्ट के 2 दिनों के अंदर पकड़े गए थे। तो ये जो रेट्स थी करीब 507, 507 टीम्स बनी थी, जिसमें कि USBBN, DSBBN, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन की जो पब्लिक सेक्टर जो है कंपनी है, और इसके अलावा जो चीफ मिनिस्टर का फ्लाइंग स्क्वाड, विजिलेंस स्क्वाड और पुलिस, ये सब लोग शामिल रहे थे, इन्होंने जो है रेड लगाई थी। तो इसमें करीब करीब 27,300
जगहों पर ये बिजली चोरी को जो है पकड़ा गया था, जिसमें पोल्ट्री फार्म भी थे, इंडस्ट्रीज भी थी, मोबाइल के टावर थे, वाटर मिल्क चिलिंग प्लांट्स थे, कोल्ड स्टोरेज थे, रोड साइड ढाबा थे, ईंट के भट्टे भी थे इसके अलावा। ठीक है, तो इसमें से अंदाजन देखा जाए तो 12.5 मेगावाट पावर थेफ्ट जो है वो पकड़ी गई थी, और जो फाइन लगाया गया करीब 24 करोड़, 24 करोड़ का जो फाइन जो है इन लोगों के ऊपर लगाया गया था। अकेले जो एक शहर की बात करें, गुरुग्राम जो मिलेनियम सिटी है, जो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जो सेंटर है हरियाणा का, वहाँ 315 कमर्शियल जो स्पेसेस थे, कमर्शियल यूनिट्स थे, जहाँ जहाँ पे जो जहाँ जो पकड़े गए थे बिजली चोरी करते हुए, उन पे करीब 3 करोड़ का जो है फाइन टोटल उन सबके ऊपर लगाया गया था। और कितनी करीब करीब 1439 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की जो है ये चोरी कर रहे थे। तो बड़ा ये एक अमाउंट है हमारे इकोनॉमी के लिए, एक बहुत बड़ा जो है एक तरह का लॉस है, क्योंकि पावर जनरेशन हो रही है उसके अंदर जो है एक सारे रिसोर्सेज लग रहे हैं, कई सारे जो पावर सेक्टर यूटिलिटीज लगी हुई हैं, खर्चा इतना कर रहे हैं, लेकिन उनको जो है इससे कुछ मिल नहीं रहा है, लॉस में जा रहा है सारा कुछ। तो रिकवर करने के लिए टेक्नोलॉजी की भी हेल्प कर सक ले सकते हैं, लेकिन मैनुअल सर्वेलेंस इस तरह के जो रेड्स करना है ये ज़रूरी हो जाता है। और इसी तरफ को जो है आगे कदम उठाए जा रहे हैं, इन फ्यूचर में भी ऐसी रेट ज़्यादा लगेंगी और ये जो पावर थेफ्ट के जो केसेस हैं वो कम होते जाएंगे, ऐसी ही एक्सपेक्टेशन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही।